हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोग के साथ एक पैलेट शेयर करूंगी, उसका छोटा सा रिव्यू शेयर करूंगी, जो कि अगर आप बिगिनर हैं, आपको मेकअप का अभी भी शौक हुआ, आप चाहते हैं कि यार मैंने भी मेकअप आर्टिस्ट बनना है, या फिर मैंने इसको एज अ प्रोफेशन लेके चलना है, या फिर मैंने सोशल मीडिया पे मेकअप किया करना है, या मैंने कोई ब्लॉग स्टार्ट करना है, मतलब आप नया नया मेकअप स्टार्ट करने लगे हैं, आप बिगिनर हैं, तो ये वाला पैलेट आपके पास जरूर होना चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर आप बिगिनर है ना, आप अभी अभी मेकअप करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको कोई बहुत ज्यादा महंगा पैलेट खरीदना चाहिए। जब तक कि आपको एक पैलेट के साथ, कलर्स के साथ काम करना नहीं आता, आप अच्छा मेकअप नहीं कर सकते। आप 10,000 का पैलेट ले लें या 20,000 का पैलेट ले लें। ये पैलेट आज से मैंने कोई 3-3.5 साल पहले खरीदा था। अब मैं इसको यूज तो नहीं करती, लेकिन वैसे ही मैंने एज अ मेमोरी रखा हुआ है कि यार हाँ, मुझे याद रहेगा कि ये मेरी पहली परचेज थी मेकअप की। और जब मैंने मेकअप करना स्टार्ट किया था, तो मैंने 1.5 साल इसी के साथ ही मेकअप किया था, इसी के साथ ही मैंने प्रैक्टिस की थी, फेस आर्ट भी करती थी मैं इसी के साथ ही करती थी, क्योंकि इसके अंदर ना शेड्स की वैरायटी बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि मैंने इंट्रोडक्शन बहुत लंबा कर दिया, मैंने सारा कुछ आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बता देना, तो चलते हैं जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पैलेट दिखाती हूँ और उसके बाद देखेंगे कि उसके अंदर कौन से वाले शेड्स हैं, कहाँ से आप खरीद सकते हैं, प्राइस क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीजें डिस्कस करेंगे। चलते हैं जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अच्छा जी, तो ये रहा हमारे पास पैलेट। ये आप देखें मैंने इसको कितना यूज किया है कि इसके ऊपर से ब्रांड का नाम ही खत्म हो गया है। ये है जी फ्रॉम द कलर आर्ट बॉलीवुड स्टाइल पैलेट। इसी तरह का सेम पैलेट, इसी सेम पैकेजिंग में आपको और भी काफी सारे ब्रांड्स पे मिलता है। ग्लैमरस फेस का मैंने देखा हुआ है, इसके अलावा एक दो और ब्रांड्स हैं जिनका सेम ऐसा पैलेट है, सेम इसी तरह की पैकेजिंग है। और ये देखिए, आपको पता चल रहा होगा कि मैंने इसको कितना यूज किया हुआ है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर शेड्स की हमारे पास क्या वैरायटी है। ये पैलेट आई थिंक मैक्सिमम लोगों के पास ना ऑलरेडी होगा, जिनके पास नहीं है और वो चाहते हैं कि मैं मेकअप करना स्टार्ट करूं, तो ये वाला पैलेट आप ले सकते हैं। ये मैंने उस टाइम खरीदा था एक लोकल मार्केट से, एक लोकल सी दुकान से। इसी तरह से आप जाके बाजार से भी खरीद सकते हैं, इसके अलावा आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इसके अंदर आपको ऑलरेडी नजर आ रहा होगा कि यार हर किस्म का शेड अवेलेबल है, ब्राउन, कलरफुल। ये वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड, इसके अंदर सारे मैट्स हैं, और ये वाली जो साइड है ना, इसके अंदर सारे के सारे शिमर्स हैं। इसके अंदर ग्लिटर्स नहीं है, लेकिन मैट्स और ये वाले शिमर्स हैं। ग्लिटर्स वो वाले मैं कह रही हूँ जो होते हैं ना, जो चंकी ग्लिटर्स होते हैं, वो वाले नहीं है। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि इसके अंदर मखमली प्लस मैट टच। ये इसके ऊपर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि मखमली शेड्स हैं इसके अंदर, मैट शेड्स हैं। मखमली आई थिंक ये वाले शेड्स को बोल रहे हैं, ये जो शाइनी वाले होते हैं। और इस पे लिखा है 48+48 फैंटास्टिक कलर लेंथ फॉर प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। इस साइड पे भी 48 कलर्स हैं, इस साइड पे भी 48 कलर्स हैं। 48+48 मेरा मैथ्स बहुत बुरा है, मेरा मैथ्स बहुत बुरा है। 48+48 कितना होता है? 96 शेड्स। अभी भी मुझे नहीं पता कि मैंने सही काउंट किया है नहीं, लेकिन 48 96 ही होता है। कैलकुलेटर से करती हूँ। आपको लग रहा होगा मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन ये देखिए मैं मोबाइल ले आई हूँ। अब 48+48 96। अच्छा चले, अब आते हैं जी हम पैलेट पे। मैंने आपको इसके ब्रांड बता दिए हैं कि ये एक तो आता है द कलर आर्ट का बॉलीवुड स्टाइल पैलेट, इसके अलावा आता है ग्लैमरस फेस का बॉलीवुड स्टाइल पैलेट। ये वाले दो मैंने यूज किए हुए हैं, तो इन दोनों का मैं आपको बता सकती हूँ, दोनों अच्छे हैं, दोनों में से कोई भी अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। उसके बाद आ गई जी प्राइस की बात, वो भी मैंने आपको बता दिया है कि 1600 का ये आपको नॉर्मली मिलता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा प्राइस आपको 1600 में ही मिलता है, लेकिन कम से कम सेल वगैरह पे बात करें तो ये मैंने बहुत सारे पेजेस पे 900 से 1100 तक का भी सेल होता हुआ देखा है, तो इसकी प्राइस आ गई। उसके बाद हमने शेड्स की बात कर ली, इसके अंदर 96 टोटल शेड्स आ गए। इस साइड पे आ गए जी मैट्स, और इस साइड पे आ गए शिमर्स। उसके अलावा इस पैलेट की एक और बहुत अच्छी चीज वो ये है कि
आपको जो एक कलर है उसके डिफरेंट टोन्स एक ही लाइन में मिलते हैं। जैसे ये वाले देख लें, ये वाइट, जितने भी न्यूट्रल कलर्स हैं, वाइट, ग्रे, ब्लैक, डार्क ग्रे, ये एक लाइन में आ गया। उसके बाद इसमें आपके पास सारी येलो की टोन्स आ गई, ब्राइट येलो है, ये थोड़ा मस्टर्ड है। उसके बाद इसमें सारे ब्राउन के टोन आ गए, इसमें सारे पर्पल के टोन आ गए, ब्लू, पर्पल नहीं, ये वाला पिंक में आ गया, ये ब्लू आ गया, ये पर्पल आ गया, ये सारे ऑरेंज पिंक से आ गए। तो इससे आपको मेकअप करना ना बड़ा आसान हो जाता है। आपको पता होता है हमें जो सबसे लाइट शेड है वो अपनी क्रीज में लगाना है, उसके बाद आउटर कॉर्नर है उसको एक डार्क शेड के साथ ब्लेंड करना है। तो आपको आसानी होती है कलर चूज करने में, कि अगर आपने ब्राउन मेकअप करना है तो ब्राउन के सारे शेड्स आपको एक ही लाइन में मिल जाएंगे। आपको ऐसा नहीं कि पूरे पैलेट में ढूंढना पड़ेगा कि ब्राउन का लाइट शेड किधर है, ब्राउन का डार्क शेड किधर है। तो बिगिनर्स के लिए बड़ी आसानी हो जाती है, बड़ा उनको आसान लगता है आई मेकअप करना, क्योंकि एक ही लाइन में एक कलर के सारे टोन्स आपको मिल जाते हैं। इसी तरह से सेम ये जो शिमर वाला पार्ट है, इसका भी यही सीन है कि एक टोन के आपको सारे कलर्स एक ही जगह पे मिल जाते हैं। जैसे आप देखें, ये लाइट गोल्डन है तो गोल्डन के सारे टोन आ गए। उसके बाद ये पिंक रेड आ गया तो इसके सारे टोन एक लाइन में आ गए। ये पर्पल आ गया तो पर्पल के सारे जो शिमर शेड्स हैं वो इस लाइन में आ गए। ग्रीन के सारे इधर आ गए, ये ब्लू आ गया। तो इस तरह से इनको यूज करना ना बड़ा आसान हो जाता है। हम इसकी पैकेजिंग की बात कर रहे हैं ना, तो बहुत कोई बड़ा पैलेट नहीं है। आप आसानी से इसको, बहुत ही हल्का फुल्का है, इसके अलावा बहुत ही आसानी से आप इसको बैग में रख के या आपने कहीं भी लेके जाना है आप लेके जा सकते हैं। और पैकेजिंग भी अच्छी खासी मजबूत है, ऐसा नहीं है कि गिरेगा तो ऑब्वियसली ज्यादा जोर से गिरेगा तो कोई भी पैलेट टूट सकता है, कितना भी महंगा हो। लेकिन ये मुझसे एक आधी दफा गिरा है और इसको कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ा बहुत गिर भी जाता है ना तो पैलेट आपका सही रहेगा। पैकेजिंग इसकी अच्छी है, उसके अलावा बहुत ही पतली सी छोटी सी पैकेजिंग है, आना ले जाना इसको आसान है। इसके अलावा एक और चीज के इसके अंदर आपको एवरीडे लुक्स के लिए भी कलर्स मिलते हैं। जैसे इसके अंदर ब्राउन के सारे शेड्स अवेलेबल हैं, मैट्स में भी, शिमर्स में भी, और इसके साथ साथ आपको कलरफुल शेड्स भी सारे मिलते हैं, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, पिंक, ऑरेंज। ये आप देखें, इसके अंदर बहुत सारे कलरफुल शेड्स हैं। तो अगर आप एवरीडे लुक से हट के सोशल मीडिया के लिए, अपने ब्लॉग के लिए आप कलरफुल लुक्स क्रिएट करना चाहते हैं, या आपको फेस आर्ट का शौक है, तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। एवरीडे यूज के लिए भी अच्छा है और कलरफुल लुक्स के लिए भी अच्छा पैलेट है। अब मैं आपको ना इसके कुछ शेड्स बैक कैमरे से स्वॉच करके दिखा देती हूँ, ताकि आपको जरा क्लियरली पता चले, दिखाई दे कि पिगमेंटेशन इसकी कैसी है। मैं ये नहीं कहती बहुत जबरदस्त है, लेकिन बहुत बुरी भी नहीं है, बीच का पैलेट है, बल्कि बीच का भी नहीं, बीच से थोड़ा सा ऊपर कर ले, मतलब अच्छी के करीब करीब है। मैं जरा कैमरे से आउट हो गई हूँ और ये आ गया जी पैलेट। पहले हम इसके मैट्स वॉच करते हैं। ये मेरा हाथ देख लें, बिल्कुल नीट और क्लीन, साफ। तीन हम कलरफुल शेड्स वॉच कर लेते हैं, ठीक है, इनमें से कलरफुल में से, और पांच ही उंगलियां, ठीक है। सबसे पहले करते हैं जी ये वाला ऑरेंज, नजर आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम कर लेते हैं जी ये वाला ग्रीन, ठीक है। उसके बाद ये पर्पल कर लेते हैं, इसमें से ये वाला ब्राउन कर लेते हैं, और ये वाला ब्राउन, हाँ ये वाला ब्राउन कर लेते हैं, ये वाला ब्राउन कर लेते हैं, और ये आप चेक कर लें, ये देखिए मैंने बिल्कुल हल्का हल्का सा अपनी फिंगर्स को इस तरह से ऊपर ग्लाइड किया है, और ये चेक करें आप इसकी पिगमेंटेशन। कलरफुल शेड्स भी काफ़ी पिगमेंटेड हैं, और इसके जो ये ब्राउन शेड्स हैं ना, ये भी बहुत अच्छे हैं। अब मैं अपना हाथ साफ करके आती हूँ। मैट्स आपने देख लिए फिट किस्म के हैं इसके मैट्स, और अब हम ये वाले जो शिमर शेड्स हैं ना, इसमें से पांच स्वॉच करते हैं। हाथ जरा मैं क्लीन करके आती हूँ। अब मैं आपको इसके जो शिमर शेड्स हैं वो स्वॉच करके दिखा देती हूँ। इसमें से हम सबसे पहले ये वाला ग्रीन ले लेते हैं, उसके बाद ले लेते हैं जी ये वाला पर्पल शेड, इसके बाद ये वाला बड़ा प्यारा शेड है, ये मैजेंटा सा शेड ले लेते हैं, उसके बाद गोल्डन, ये गोल्डन अच्छा है, और एक ये भी अच्छा है, और ये देख लें जी आप इसकी पिगमेंटेशन भी,
बहुत ही अच्छे से ये हाथों के साथ अप्लाई होते हैं। ब्रश के साथ अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, वो नॉर्मल शिमर शेड्स को भी अप्लाई करना मुश्किल होता है। तो अगर आप इनको ब्रश की बजाय हाथों से अप्लाई करेंगे ज़्यादा अच्छे अप्लाई होंगे, या फिर आप अगर ब्रश के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो ब्रश को थोड़ा सा गीला करके अप्लाई करें, फिर भी अच्छे अप्लाई होंगे। इस तरह आपको वैसे ज़्यादा पिगमेंटेड लग रहे होंगे, लेकिन जब हम इनको अप्लाई करते हैं ना तो थोड़ी सी पिगमेंटेशन इनकी कम हो जाती है। एक कोट अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको इसके ऊपर एक दो कोट और अप्लाई करने पड़ेंगे, अगर आपको बहुत ज़्यादा शिमरी या शाइनी सरफेस चाहिए अपनी आई पे। एक कोट से थोड़ा सा कम आपको शाइन मिलेगा इसके ऊपर। ये देखिए मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ, इसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा और लगा लेते हैं तो ये देखें इसकी शाइन। ये रहा जी मेरा छोटा सा रिव्यू। ये रिव्यू मैंने मोस्टली उन लड़कियों के लिए किया है जिनको लगता है कि अगर हमें मेकअप करना शुरू करना है, एक ब्लॉग स्टार्ट करना है, या हमें फेस आर्ट का शौक है, तो शायद हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। शौक के लिए इतने से पैसे तो आप अपनी पॉकेट मनी से भी बचा सकते हैं, 900, 1100, 1600 के बीच में। तो ये वाला पैलेट लें, एक ब्रश सेट लें, कोई भी लोकल ब्रश सेट ले लें जिसके अंदर चार पांच आई ब्रशेस हों। YouTube पे वीडियोस देखें और जो वीडियो देखें उसी टाइम उसको बैठ के प्रैक्टिस करें। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो गिव दिस वीडियो अ ह्यूज थम्स अप। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से नीचे जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू गाइज सो मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें। और एक और चीज, कॉमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इस पैलेट से एक साइड पे कलरफुल लुक और एक साइड पे एवरीडे लुक करके दिखा दूं, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको यूज किस तरह से आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं।